मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत खेत से अपने घर आ रही नाबालिग छात्रा से 45 वर्षीय युवक ने छेड़छाड़ कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विजयपुर नगर के पुरानी जनपद पंचायत के पास रहने वाली 11वीं की छात्रा की नाबालिग छात्रा अपने खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही थी। जैसे ही छात्रा अपने घर के पास पहुंची ही थी के तब तक वहां पर विजयपुर का ही रहने वाला एक 45 वर्षीय युवक ने छात्रा से छेड़छाड़ कर दी। जब तक परिजनों को इस घटना की सूचना मिली तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। छात्रा ने परिजनों के साथ विजयपुर थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया, जहां पुलिस ने छात्रा की रिपोर्ट के आधार पर छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं के साथ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस बारे में जब छात्रा के परिजनों से बातचीत की गई तो परिजनों ने बताया है कि रोजाना की तरह हमारी बच्ची पशुओं के लिए खेत से चारा लेकर अपने भाई के साथ आ रही थी। जैसे ही पीड़ित घर के पास पहुंची ही थी तो पवन नामक व्यक्ति वहां पहुंचा और पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जैसे ही पीड़िता ने शोर किया तो पीछे से आ रहे पीड़िता के भाई ने जब युवक को दबोचने की कोशिश की तो आरोपी वहां गिर पड़ा और चोटिल हो गया तथा मौका पाकर घटनास्थल से फरार हो गया। जिसमें पवन बनिया निवासी विजयपुर के द्वारा छेड़छाड़ करना बताया है। फरियादी के आवेदन पत्र पर से हमने FIR दर्ज कर ली है और कार्रवाई उसकी चल रही है ना।